लोकाई हमने भी सोच लिया हम भी एक व्लॉगिंग वीडियो करेंगे। डिसाइड कर लिया क्यों नहीं हम भी एक व्लॉगिंग वीडियो करें। आइए देखते हैं बैठ कर मजा आएगा। मेरी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग है तो आई स्वागत करता हूँ हमारे फर्स्ट व्लॉग में। मगर क्यों मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। वीडियो बना लिया तो आप लोग देखना, अच्छा लगा तो। अरे कहना क्या चाहते हो। तो गाइज ये मेरा लाइफ का फर्स्ट व्लॉग है। जिस YouTube ने कई लोगों की ज़िंदगी बदली थी, आज वही वाकई में ही कई लोगों की ज़िंदगी बदल रहा था कुछ अलग तरीके से। सर में दर्द और थकान बिना काम किए आपको हो जाती थी। मैं हर चीज़ में निराश हो जाता था, हताश हो जाता था, एक जगह नहीं रहता था। मैं नहाने जाता, पानी की बाल्टी भर लेता था और जिस मग से पानी सर पर डालते हैं उसमें मैं अपना सर ही डालने लगा। मैं बहुत ही परेशान हो गया था। फिर मैं कुर्सी रखता, कुर्सी को साफ़ करता, पर कुर्सी साइड में रखकर ज़मीन पर बैठ जाता। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मैं कनेक्टर को अपने मुंह में डालकर स्विच बोर्ड में उंगली डाल देता था। मैंने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी पर टहनी कमज़ोर निकली और टूट गई। इस प्रकार मैं और निराश हो गया। फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट लिया। मैंने सोचा पंखे में रस्सी बांध कर मैं लटक जाता हूँ, पर वो भी फेल हो गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। फिर मैं बहुत परेशान होने के बाद मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी एक बार माय फर्स्ट व्लॉग बनाऊं। फिर बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पर ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे व्लॉगरों का आशीर्वाद चाहिए था, जैसे कि बाबा बीजू और ये बाबा और दीदी हमारी और एक बहुत ही बेहतरीन व्लॉगर जो नया उभर रहा था, मेरा भाई वीरू। इनका मुझे आशीर्वाद चाहिए था और मैंने आशीर्वाद ले लिया। उसके लिए मैं निकल पड़ा अपनी जंग पर। मैंने चप्पल पहनी और मैं घर से बाहर व्लॉग बनाने की दुनिया में पहला कदम रख चुका था। पर यह सफ़र इतना आसान नहीं था। मुझे एक सुनसान जगह ढूंढनी थी जहाँ पर मैं व्लॉग बना सकूँ। जिनसे मैंने आशीर्वाद लिया था, जैसे उन्होंने वो जगह ढूंढी थी, वैसे मुझे सुनसान जगह ढूंढनी थी ताकि कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे ये वीडियो बनाते टाइम। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तो दोस्तों आज मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी व्लॉगिंग करूंगा और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। जनता माफ नहीं करेगी। मैंने व्लॉगिंग करना चालू तो कर दिया था पर उनके ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं था। पीछे का बैकग्राउंड भी मेरे पास नहीं था, वो नदी वाली खदान मेरे पास नहीं थी। स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। पीछे देख सकते हो आप, ये खदान है जहाँ पे बहुत ही प्यारी खदान है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी है। सबको वो नदी लग रही थी पर वो खदान थी नहीं, ये बात दीदी ने हमें बताई थी, तो इसलिए मैं ढूंढने निकल चला वही बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड को ढूंढना आसान नहीं था। मुंह में मच्छी पकड़ने के बराबर था ये। जैसे दीदी के पीछे ये बैकग्राउंड था, बीजू भैया के पीछे ये बैकग्राउंड था और हमारे फर्स्ट व्लॉगर के पीछे भी यही बैकग्राउंड था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। और मेरे कदम बाहर की तरफ बढ़ चुके थे। मुझे ये लोकेशन ढूंढनी ही थी किसी भी कीमत पर। ये फंस गया सी है। तो मेरा बैकग्राउंड ढूंढने वाला सफर चालू हो गया। मैं बड़े जा रहा था। बारिश हो रही थी। ये मुझे पता था कि ये जगह ढूंढना मूत में मच्छी पकड़ने के बराबर है, पर इस मच्छी को मैंने पकड़ ही लिया। तो गाइस फाइनली मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पर वीडियो वायरल होती है। पीछे का बैकग्राउंड यही होता है और वीडियो वायरल होती है। तो आप लोगों के लिए मैं सिर्फ 50 किलोमीटर दूर चल के इस लोकेशन में पहुँचा हूँ मेरे भाइयों। तो आप समझ सकते हो ये बात। इतनी खुशी मुझे आज तक। और मैं वहाँ से जाने लगा पर मुझे ध्यान आया, मैंने बाबा की तरह माई सेल्फ का ऐसे तो सुनाया ही नहीं, तो मेरी वीडियो वायरल कैसे होगी। तो मैं अपना माई सेल्फ का ऐसे तो बताने ही भूल गया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। माय नेम इज पप्पू पहलू और
ये पीछे की लोकेशन बहुत दूर से मैंने ढूंढी है। आई एम 12th पास नाउ आई एम कॉलेज। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो बस मैं यहाँ पर पहुँच गया गलती से, बिकॉज आई लव दिस नाउ, बहुत प्यार है इस प्लेस से मेरे को। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। अरे कहना क्या चाहते हो? और मैं व्लॉगिंग की दुनिया का फर्स्ट अटेम्प्ट करके मैं निकल चुका था बहुत भरोसे के साथ। अब मेरी छाती दुगनी चौड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे पता था मैं वायरल व्लॉग की तरफ बढ़ चुका हूँ, और मेरी बाइक की स्पीड भी उसी तरीके से बढ़ती हुई जा रही थी और मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था। फाइनली घर पे आ गया मैं इतनी बारिश में। आप के लिए सिर्फ मैं लोकेशन पे गया था क्योंकि हमारे बाबा ने कहा था वहीं पे ब्लॉग वायरल होगा। तो मेरे भाई आ गया हूँ मैं अपने घर की तरफ, देख रहे हो फुल भीग के, तुम लोगों की वजह से, सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से मैं जा पाया इतनी तेज बारिश में। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब पहले करना है और बाद में देखनी है वीडियो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब मेरी परेशानी दुगनी हो गई थी क्योंकि वायरल स्टेप 2 आ गया था। वायरल स्टेप 2 पे मुझे एक लेमन का पेड़ मुझे ढूंढना ही था। अब इस सफर में भी मैं निकल पड़ा था। अरे बाबा, हम दोबारा से रेडी हो चुके हैं गाइस, और हम चलेंगे अब बाहर की तरफ लेमन का पेड़ ढूंढने। लेमन का पेड़ बहुत जरूरी है वीडियो वायरल करने के लिए, तो लेमन का पेड़ ढूंढना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो फर्स्ट पहले आपको लोकेशन में पूछना, और दूसरा आपको लेमन का पेड़ ढूंढना है। लेमन का पेड़ जैसे ही मिले आप वीडियो बना लें। ठीक है, चलते चलते हैं फिर लेमन का पेड़ ढूंढना। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। एक बार फिर से मेरे कदम बाहर की तरफ निकल रहे थे लेमन का पेड़ ढूंढने की वजह से। निकलाए हैं पर हमें लेमन का पेड़ अभी भी नहीं मिला। हवा इतनी तेज चल रही है, मुझे डर लग रहा है कि सारे लेमन न टूट जाएं, तो हम तोड़ के दिखाएंगे। चलिए चलते हैं थोड़ा और आगे, और उधर एक बंदा खड़ा है उससे पूछेंगे जरा क्या बात होगी, लेमन का पेड़ है कहाँ पे, यहाँ पे आसपास कहीं है या नहीं है, बस हमें इतना जानना है। चलिए देखते हैं फिर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भैया। हेलो भैया, ये सुन जरा। ओ ओ ए भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, यहाँ कहीं आसपास कहीं लेमन का पेड़ है? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। यहाँ से आप सीधे जाइए, आप इधर से दाएं हाथ पे मुड़ जाना, उसके बाद सीधे जाना, वहाँ नींबू का पूरा बगीचा है, आप वहाँ चले जाएं। भैया नींबू का पेड़ नहीं, लेमन का चाहिए हमें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। दिख मत जी ये दोबारा, साले भूत बना। आपको भी लग रहा होगा वो बंदा चप्पल मार रहा था मेरे। भाई भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी यार, वो बंदा चप्पल पर ऑटोग्राफ मांग रहा था मेरे पास। चल झूठा, उसके पास ना पेन और कॉपी नहीं था यार मेरे भाई। यार पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ यार, दिन पे इतने फॉलोअर्स और फैन फॉलोइंग बढ़ती आ रही ना, मतलब मैं नहीं मानता, मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँ ना फटके निकलेगी भाई। तो मेरे भाई इस आई डोंट, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता क्या कितनी खुशी हो रही है, मतलब अरे बस कर भाई, बिना उसके इतनी फैन फॉलोइंग यार। तो इसी बात पे यार तुम भी लाइक और कमेंट जरूर करना मेरे भाई, जाना नहीं उस वाले बटन को ना नीला कर देना और कमेंट वाले बटन को काला कर देना, कर दो बस। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, देख रहे हो कितने तुम्हारे भाई के। चलो देखते हैं नींबू का पेड़ मिलेगा जरूर, चलो भाई चलो। तो फाइनली लेमन का पेड़ हमें मिल गया दोस्तों, और मैं पीछे रहा कुछ भी लेमन का पेड़, एक लाइक जरूर करना इस बात पे भी। एक बंदा 10 लाइक कर देता है एक ही चीज पर, मैं तो बड़ी मुश्किल मिला। चलो यार देखते जाके, चलो तो इसको देखते हैं। इसके पास जो लेमन है वो इस टाइम इस पे नहीं है क्योंकि अभी हम बारिश में भीग रहे थे और तूफान बहुत तेज आ रहा था, तो सारे लेमन इस पे झड़ गए हैं। बारिश में कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और ये लेमन का पेड़ है, आप ऐसे ही लेमन के पेड़ होते हैं हमारे इधर। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे भाई, शेयर कर दे बस। भाई तुम्हारा भाई सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए इतना रिस्क लेता हूँ मैं, सब क्या देखना पड़ रहा है इसलिए भाई। जब तकरीबन सारा काम पूरा हो गया व्लॉग का,
और हमने एक वायरल व्लॉग की पूरी जात पड़ताल और हम खड़े उतरे अपने बाबा बीजू की तरह। हेलो गाइस, हमने भी सोच लिया हम भी एक व्लॉगिंग वीडियो करेंगे। बाबा बीजू का आशीर्वाद है बाबा। अरे बाबा, ये तो व्लॉग फाड़ के निकलेगा, मुझे पक्का भरोसा है। अभी तो फिलहाल मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था इसलिए मैं हगने आया हुआ था। तुम्हें कब से क्या, वैसे तो मैं ऑलरेडी वीडियो में बहुत थक चुका हूँ। मतलब मैंने बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाया, मैं हगता नहीं बिल्कुल भी, मगर अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आया हूँ और अगला इससे ज्यादा अगर नहीं मिले लाइक तो फिर अगली वीडियो में इससे ज्यादा हगेंगे मेरे भाई, इससे ज्यादा हक के हम हग के भर देंगे, हक देंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई फिर से लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हर चीज करनी है भाई। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो भाई ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी और मेरा किसी से भी कोई हेट नहीं है, ठीक है? तो किसी से भी हेट नहीं करना, ना मैं किसी से हेट करता ना वो मेरे से हेट करते, मैं तो कह रहा हूँ उनकी वीडियो और ज्यादा वायरल हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल का ना सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन भी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो को मुझे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा रिस्पांस मिला तो मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और चलता हूँ। और माय फर्स्ट व्लॉग का पूरा काम तकरीबन ख़त्म हो गया था, पर वीडियो एडिट करने के बाद मुझे पता चला कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। वो गलती आप ना करें, वो वाला सॉन्ग ज़रूर लगाना है जो ये है। सभी जुबां हैं हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा।